हेलो एंड वेलकम टू दी मैनेजमेंट क्लासेस आज इस वीडियो में हम लोग डॉन बुश की ओवर शूटिंग मॉडल को डिस्कस करेंगे देखिए मैं इस मॉडल के बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं एक, सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि मॉडल क्या है और इसमें क्या डिटर्मिन करते हैं ये बेसिकली मॉनिटरी मॉडल है और इसके अंदर हम गुड्स मार्केट को डिटर्मिन करते हैं लेकिन पहले हम उससे एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करती हैं कंट्री के और उसके बाद लॉन्ग टर्म में हम उसको प्राइसेस को डिटरमिन कर लेते हैं ये जैसा आपने देखा होगा उनका नाम लिखा हुआ है डॉन बुश तो ये रूडी डॉन बुश ने इंट्रोड्यूस किया था इस मॉडल को 1976 के अंदर मेन आइडिया क्या था कि जो एक्सचेंज रेट है वो शॉर्ट रन के अंदर ओवर कर जाता है जो एक्सचेंज रेट है वो शॉर्ट रन में ओवर करेगा लॉन्ग टर्म में फिर वो थोड़ा सा नीचे आके एक जगह एक न्यू पर पहुंच जाएगा ठीक है इस मॉडल के अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा वोलाटाइल है यानी एक्सचेंज रेट के अंदर वोलाटिलिटी है मैनिंग बहुत चेंज हो सकता है रुका हुआ नहीं है स्टीकी नहीं है आ, आ, फिक्स नहीं है एक्सचेंज रेट हमेशा बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है यह हम मान के चलते हैं अच्छा मॉडल शुरू करने से पहले इसके कुछ मेन एजम्पन्स देख लें एजम्पन्स और मिल जाएंगे आपको कहीं कई जगहों पर लेकिन जो एक मेन एजम्शंस है दो तीन मैं सिर्फ उसकी अगर बात करूं तो देखिए इसके अंदर पहले हम मानकर चले हैं कि जो कंट्री जो हम लेकर चल रहे हैं कंट्री वो स्मॉल इकोनॉमी है स्मॉल इकोनॉमी हम क्यों ले रहे हैं जनरली आप देखिए जब आप एक्सचेंज रेट को स्टडी करेंगे तो स्मॉल इकोनॉमीज जनरली जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखती हैं बड़ी कंट्रीज क्योंकि अपने आप इतनी बड़ी होती हैं कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को अपने आप असर डाल सकती हैं तो वो लोग फिक्स भी रख लेती हैं लेकिन छोटी इकोनॉमी क्योंकि उसको अपने आप को डेवलप करना होता है तो वो फ्लेक्जिबिली रखती है इसका मतलब ये कि यहाँ फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं होता दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पन है हमारा इस मॉडल के अंदर कि जो प्राइस है वो एस की यानी इस की प्राइस इन द गुड्स मार्केट स्टीकी प्राइस इन दुड्स मार्केट ओके स्टीकी प्राइज इन दी गुड्स मार्केट यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंटन है क्योंकि हम इसके अंदर जब प्राइस को स्टिकी मानकर चल रहे हैं तभी हम मान के चलेंगे कि किस ये प्राइस चेंज नहीं होगा शॉर्ट रन में शॉर्ट रन के अंदर कोई दूसरी चीज चेंज होगी यानी जैसे हम यहां पर एक्सचेंज रेट को लेकर चल रहे हैं और जो तीसरा इनका जो एक आ, 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 है वो हम ये मानकर चलते हैं कि यहां पर रैशनल एक्सपेक्टेशन है रैशनल एक्सपेक्टेशन है मतलब जाहिर है हम अपने एक फॉरवर्ड रेट को भी लेके चलते हैं फ्यूचर के अपने इन्वेस्टमेंट को देख के चलते हैं कि सब आगे उस पर क्या असर पड़ेगा तो ये रैशनैलिटी के अंदर है इसमें कुछ गड़बड़ ये नहीं कि आप रैशनल होकर अपना काम करने लगे एक्सपेंडिंग को बढ़ाएं यह करें वो करें सेल बढ़ाएं तो एक रैशनलिटी रहेगी एक्सपेक्टेशन के अंदर ठीक है मॉडल की अब हम बात करें तो देखिए मॉडल यानी डॉन बुश ने जो कहा डॉन बुश ने बेसिकली कहा कि अगर मानकर चलिए कि एक कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज आता है यानी चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी एक एग्जाम्पल लेके चले समझने के लिए ठीक है अब अगर किसी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आया यानी आप एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज क्या आया इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया गया इंटरेस्ट रेट घटा दिया जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो मार्केट के अंदर क्या होगा लोग जो है जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो उन्हें पता है कि बैंक में रखने से फायदा नहीं है पैसा पैसा निकाल लेंगे वो ठीक है और जब वो पैसा निकालेंगे तो क्या होगा मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी है ना और जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा बेसिकली तो प्राइस बढ़ने प्राइस बढ़ने चाहिए उस वक्त प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे लेकिन क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि यहां के प्राइस टीकी है हम ये मानकर चलें कि प्राइस स्टीकें होना तो यही चाहिए हम तो ये मानकर चलें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी जब करेगी इसमें जब उसका अब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे लेकिन प्राइस शॉर्ट रन में नहीं बढ़ते एकदम से नहीं चेंज हो जाते प्राइसेस प्राइस चेंज होने में वक्त लेते हैं तो उस वक्त उसको एडजस्टमेंट होने के लिए फिर दूसरी चीजों पर असर पड़ता है यानी पहले वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं यानी जो आपकी एक्सचेंज रेट है उस पर फर्क आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट में आ जाते हैं यानी आपका सोचिए इंटरेस्ट रेट घटा मनी सप्लाई बढ़ी मनी सप्लाई बढ़ने से अब मनी मार्केट पर आ रहा है दूसरी मार्केट पर आ रहा है आपका फाइनेंशियल uh, मार्केट पर आ रहा है तो प्राइस तो वही है लेकिन आपकी करेंसी इंटरनेशनली डेप्रिशिएट कर जाएगी मनी सप्लाई बढ़ेगी आपके पास फिर आपकी करेंसी ज्यादा है ना तो इंटरनेशनल लेवल पे ये करेंसी घट जाएगी यानी यहां से अब एडजस्टमेंट स्टार्ट होगा प्राइस नहीं चेंज हुए ये जो एडजस्टमेंट हुआ है ये जो आपकी मनी जो आपका करेंसी है वो डेप्रीशिएट हुई है ये ओल्ड प्राइसेस पर ही डेप्रीशिएट हुई है ठीक है अभी प्राइसेस चेंज नहीं हुए लेकिन होगा क्या कि सडनली बहुत तेजी से आपका एक्सचेंज रेट में चेंजेस आएंगे जब एक्सचेंज रेट में चेंजेस एक साथ आ गए उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सचेंज रेट एडजस्ट होना शुरू होंगे और आपके गुड्स मार्केट भी एडजस्ट होना शुरू होगी यानी अब आपके प्राइस बढ़ना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग रन के अंदर जब आप लॉन्ग रन के अंदर चलते जाएंगे आपके प्राइस इधर बढ़ते चले जाएंगे हल्के हल्के एक्सचेंज रेट नीचे आता चला जाएगा एक वक्त वो आएगा कि आप फिर से एक इक्वेलीबेरियम पोजिशन पर आ जाएंगे और वो लॉन्ग रन न्यू इक्वेलीबेरियम होगा यानी लॉन्ग रन के अंदर एक नया इक्वलीबेरियम आपको मिलेगा और जब इस इक्वेरियम पर आप पहुंचेंगे तो आपकी डोमेस्टिक मनी मार्केट भी पर होगी आपकी करेंसी एक्सचेंज मार्केट भी इक्वेलिबेरियम पर होगी और आपकी गुड्स मार्केट भी इक्वेलिबेरियम पर होगी यानी सिर्फ कहने का मतलब यह है यहां पर कि जब मॉनिटरी पॉलिसी में कोई चेंज आएगा तो आपके प्राइस स्टिकी होने की वजह से एक्सचेंज रेट में सडन चेंज आएगा और आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग रन के अंदर एक्सचेंज रेट कम होता चला जाएगा और आ, दोनों में एक्सचेंज रेट में एडजस्टमेंट होता चला जाएगा और इधर से गुड्स मार्केट में एडजस्टमेंट होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि आप पूरे इक्वलीबेरियम लेवल पर पहुंच गए ठीक है ये तो एक बात रही यानी इस बात से आप ये कह सकते हैं कि हम मानकर चलते हैं कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो एक्सेस वोलाटाइल है बहुत ज़्यादा वोलैटिलिटी है इसी वजह से शुरू में एक्सचेंज रेट बहुत तेजी से चेंज होता है और बाद में गुड्स मार्केट के साथ एडजस्ट कर जाता है शुरू में नहीं हुआ शुरू में सिर्फ एक्सचेंज रेट चेंज हुआ आ, 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 प्राइस नहीं इनिशियली एक्सचेंज रेट होगा बाद में लॉन्ग रन के अंदर दोनों चीजें एक इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगी एक दूसरा इंप्लिकेशन भी है इसका दूसरा इंप्लिकेशन क्या है इसका कि जो हमारी करेंसी हम ये मानकर चल रहे हैं इसके अंदर कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो होगी चाहे इंटरेस्ट रेट हमारा बहुत कम हो हमारी करेंसी एप्रीशिएट भी होगी चाहे हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो और वो इसीलिए होता है क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि पहले करेंसी में चेंज आता है और बहुत ज्यादा चेंज आता है इसलिए लोअर इंटरेस्ट रेट पर भी एप्रिशिएट कर सकती है और जाहिर है फिर लॉन्ग रन के अंदर वो एडजस्टमेंट होगा गुड्स मार्केट के साथ अपने ऊपर लॉन्ग रन में जाके वो एडजस्टमेंट होगा और आपकी करेंसी एक्चुअल एप्रिसिएशन पर आ जाएगी इसको बेसिकली हम लोग अगर आप जाके देखेंगे तो एक फॉरवर्ड डिस्काउंट पजिल कहते हैं इसको फॉरवर्ड डिस्काउंट फजल कहते हैं इसको आप अगर चाहें तो इसको नेट से देख लीजिए और कहेंगे तो इसको छोटी सी एक वीडियो बना सकता हूँ ये मतलब बेसिकली इसका यही होता है कि जो आगे के रेट हम आज तय कर लेते हैं कि आगे के रेट पर क्या होगा बॉन्ड्स मार्केट वगैरह होती है उसी पर ये काम करता है ठीक है तो ये सिर्फ एक छोटा सा आइडिया था कि डॉन बुश का ओवर मॉडल क्या है ठीक है और मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा बहुत मुश्किल नहीं है छोटा भी है कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वीडियो में अपना थैंक यू सो मच